जो अजरक का डिज़ाइन है ना, वो ज्योमेट्रिकल है, फ्लोरल है और ऐसी है कि वो सब लोगों को पसंद आती है। ये दुनिया की सारी खूबसूरत चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। पैरी मन मथाय हरख ऐ अजरक। एक बात ऐसी भी सुनी थी कि सिंध में एक राजा था ना, वो रोज नई चादरें बदलाता था। तो एक बार उन्होंने चादर लगा दी, तो वो बदलाने को जब आए तब राजा ने मना किया, जा अजरक मत ले जा। फिर दूसरे दिन आया तो बोला अजरक। फिर तीसरे दिन आया तो अजरक। तो वो बोलते ऐसे नाम पड़ गया। पहले ये सिंध में बना करती थी और सिंध में से ये कला हमारे तक यहाँ तक, इंडिया में यहाँ तक आई है। अजरक का जो काम है वो 4,500 साल पुरानी है। जो डिज़ाइनें होती है वो तो एक तो अजरक होता है, जैसे अब खारिक बना दिया तो उसका डिज़ाइन बनाया, तो वो जो गोल होता था वो रियाल जैसा होता था, तो वो अजरक के अंदर सब डालते थे। फिर स्टार भी है इसके अंदर, काला भी है, तो जो आसमान में तारे चमकते हैं, आसमान ब्लू कलर का है, संध्या लाल कलर की होती है, तो उनकी थीम जो है वो यूनिवर्सल है। कहीं पे भी देखते हैं या कहीं पे पहाड़ में गए, कहीं पे कुछ देखा तो वो डिज़ाइन हमारे मगज में आ जाती है कि ये डिज़ाइन हम बना सकते हैं। अजरक की खासियत ये है कि वो सर्दियों में गर्म रहती है और गर्मी में ठंडा रहती है, क्योंकि ये जो मालदारी लोग हैं वो डेजर्ट के पास रहते हैं। डेजर्ट जो है वो रात को एकदम ठंडा हो जाता है, दिन को एकदम गर्म हो जाता है। और मालदारी लोग इसलिए पहनते थे कि वो क्या जंगलों में जानवरों को लेके जाते थे और वहाँ पे वो खुद रहते हैं, तो इसके हिसाब से दूर से भी मालूम पड़ जाता है कि यहाँ कोई मालदारी है।